11 अक्टूबर रविवार के दिन गोंडा विधानसभा के ब्रह्मपुरी मंडल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी के लिए उनके मान सम्मान में रखा गया था। यह कार्यक्रम पिछले काफ़ी दिनों से डिले हो रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण था पूरे भारत में कोरोना महामारी के जो पैर पसार रखे हैं वह। इसी के चलते यह प्रोग्राम काफ़ी दिनों से टल रहा था, मगर अब इस कार्यक्रम को यहाँ किया गया और इसमें क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, ब्रह्मपुरी से निगम पार्षद राजकुमार बल्लन और मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया मौजूद रहे। साथ ही साथ यहाँ कार्यकर्ताओं का भी हुजूम था। उन्होंने यहाँ पे अपने मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद और यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के इनका जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष के स्वागत के बाद यहाँ पे क्षेत्र विधायक अजय महावर का भी स्वागत किया गया और साथ ही साथ निगम पार्षद राजकुमार बल्लन का भी स्वागत हुआ। इसके बाद स्वागत मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भदौरिया का किया गया, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक थे। यह कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और इस कार्यक्रम में यहाँ पे जो उत्साह था वह देखने लायक था। यहाँ मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष और राजकुमार बल्लन के साथ से लेके यहाँ पे जितेंद्र भदौरिया ने कंधे से कंधा मिला के कार्यकर्ताओं का साथ दिया और कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। इसके बाद यहाँ दिनेश धामा, जो कि गोंडा के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत किया गया। महिला शक्ति का भी यहाँ स्वागत किया गया और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता और सब पदाधिकारियों का भी जम के स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत के बाद यहाँ पे महिला शक्ति का भी सम्मान हुआ और साथ ही साथ आलोक महावर का भी यहाँ पे स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया और लोगों में उत्साह देखने लायक था। यह कार्यक्रम अपने मंडल के जिस तरीके से प्रचार और प्रसार होता है उसी के स्वरूप में यहाँ पे दिखाई दिया। मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद, विधायक और मंडल अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी को यहाँ पे स्वागत समारोह में स्वागत किया गया। देखिए, स्वागत समारोह क्या, कार्यकर्ताओं का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे बुलाकर मान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर इस जिले में मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके सुख दुख में भागीदारी करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ये जो पार्टी को इतने ऊपर तक ले जाता है। अभिनंदन तो सही मायने में कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने यहाँ निगम, विधानसभा और लोकसभा तीनों सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रखी है। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को उनका धन्यवाद दिया है, उनको कहा और ज़्यादा एनर्जी करके आपने अगले निगम के चुनाव में दिल्ली में भाजपा को उन्हें सत्ता में लाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने आज एक मंत्र दिया है कि सब कुछ छोड़कर एक ही मंत्र है कि हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपनी पार्टी का विस्तार करना है। उस कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता आज से प्रण लेकर गए हैं कि सभी कार्यकर्ता और ज़्यादा पार्टी को यहाँ क्षेत्र में मजबूत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से ये तो एक सम्मान समारोह रखा गया था मंडल के द्वारा और इसमें सभी कार्यकर्ता आए थे। मेरा यही कहना है कि दिल्ली सरकार भी अपना काम अच्छा से करे और हमने फूड एंड सप्लाई की जो व्यवस्था कलप सी थी उसका उजागर किया, उसके बाद अभी कूपन आए हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ फंड्स भी विधायकों को अलॉट करना चाहिए जिससे कम जो ज़रूरी काम है आप पूरा ना दें, आधा दें, सेविंग्स के पैसे दें, जो भी करना है आप करें, लेकिन निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता जिसके छोटे छोटे काम आज फंड के कारण रुक रहे हैं वो ना रुक पाएँ, वो अवरुद्ध ना पाएँ। 62 तो MLA उन्हीं के हैं, हम तो सिर्फ पार्टी हैं, लेकिन उनके हों या भाजपा के हों, विधायक क्षेत्र में समस्या से जूझ रहा है और छोटे छोटे कामों के लिए जूझ रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी अपने भाषण में कहा कि दिल्ली सरकार आज हमारे उत्तर पूर्व जिला जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम में हमने रखा हुआ था। हमारे यहाँ पर उनका पहला ही प्रथम ही ये आवास प्रवास था जिसके अंदर हमने उनका स्वागत वगैरह किया, कार्यक्रम किया। जिलाध्यक्ष
मोहन गोयल जी का एवं पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार बल्लन जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी, अजय महावर जी, विधायक जी, इन सबों का हमने स्वागत समारोह किया। साथ ही अपनी कार्यक्रमों के अपनी योजनाओं को किस तरह कार्यान्वित किया जाए उसके विषय में मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी के सामने रखा कि आने वाले प्रोग्राम्स, आने वाले कार्यक्रम जो भी जिले से दिए जाएंगे हमें, वो हम खंड प्रमुख वाइज व्यवस्था जो जिले में व्यवस्थित है, हमने अपने मंडल के अंदर व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से रखी हुई है, जिसके तहत हम सारे कार्यक्रम करते हैं। आगे भी सारे कार्यक्रम हमारे जिला खंड प्रमुख वाइज रहेंगे। बाकी पुराने कार्यकर्ता और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, उनका पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनका धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन सबको। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अजय महावर जी भी पहली बार संगठनात्मक बैठक में आए और मोहन गोयल जी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रथम बार संगठनात्मक रूप से ब्रह्मपुरी मंडल में आए। ये तो छोटे छोटे दौरे दोनों के हुए थे और जितेंद्र भदौरिया जी ने भी पहली बार बड़ी बैठक में सब, तो तीन लोगों का आज हार्दिक अभिनंदन किया गया और संगठन के कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला, विधायक जी का मार्गदर्शन मिला, मंडल अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला और साथ ही मोहन गोयल जी ने एक कार्यकर्ता कैसा हो, कार्यकर्ता को कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस तरह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उन सबको हमसे अवगत कराया, उनका बहुत ही प्रेरक मार्गदर्शन मिला। विधायक जी ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी और पीछे अतीत में हुए घटनाक्रमों के बारे में भी और पिछले निकृष्ट विधायक के क्रियाकलापों के बारे में भी और वर्तमान में जो कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा में से डाटा संकलित करके विकास कार्य को जो गति प्रदान उन्होंने, उनका विवरण बहुत अच्छे से दिया और साथ ही कोरोना काल में जो सेवा कार्य किए उसको कार्यकर्ताओं से अवगत कराया और क्योंकि विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और संगठन के कार्यों में लगातार निरंतर इस ब्रह्मपुरी वार्ड में प्रवास किया, उसके लिए मैंने भी उनका अभिनंदन किया। कोविड काल में मेरी अनुपस्थिति में विधायक जी पर अतिरिक्त ब्रह्मपुरी वार्ड का था, उसके लिए भी अभिनंदन किया और यह कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ बैठकर अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाया, विधायक जी को यह विश्वास दिलाया, मंडल अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाया कि नीचे खंड स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करेंगे और जो सेवा कार्य अभी चल रहे हैं, इस कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ, इसमें सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बूस्टर को ऐसे उनको सम्मानजनक सामग्री प्रदान करने का हो, चाहे विद्यार्थियों को सामग्री प्रदान करने का हो और कोरोना योद्धाओं को सर्टिफिकेट देने का कार्य हो या महिलाओं को कुछ मदद करने का कार्य, ऐसे कार्य संगठन ने तैयार किए, उनको एक जनप्रतिनिधि के नाते जो संगठन आदेश देगा विधायक जी की अनुपस्थिति में, जिलाध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में और कार्यकर्ता के सहयोग से आगे लेकर जाएंगे, यही आज के कार्यक्रम की सफलता थी। आज आगमन के लिए जिलाध्यक्ष जी का, विधायक जी का पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज का कार्यक्रम ब्रह्मपुरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जी का, अपने विधायक जी का और नए जो मंडल में जितेंद्र भदौरिया जी हैं उनका और विधानसभा प्रभारी दिनेश धामा जी का, सभी अतिथियों का स्वागत किया था। इस कार्यक्रम का मकसद केवल और केवल सभी कार्यकर्ताओं को, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था। स्वागत एक स्वागत के रूप में जो लोग करते हैं कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो और उनकी जो परेशानियाँ हैं क्षेत्र के विकास के लिए हों, व्यक्तिगत जीवन के लिए हों, समाज के लिए हों, वो सारी जो परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास करें, इसके लिए आज ब्रह्मपुरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छा रहा, इसका संदेश भी अच्छा जाएगा और जिलाध्यक्ष जी ने तो कार्यकर्ताओं के लिए समर्पण की शपथ ली है और विधायक जी ने जो भी संभव क्षेत्र के लिए विकास के लिए हो सकता है उसके लिए शपथ ली है और भविष्य में भी जो भी कार्यकर्ता हैं उनके किसी भी तरह दुख और सुख में शामिल होंगे, यह संदेश के साथ उन्होंने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया है और स्वागत को पूर्ण रूप से अच्छा कार्यक्रम किया।